आपको जगलोट स्कर्दू रोड का दौरा करवाने लगे हैं। ये जगलोट स्कर्दू रोड डिफेंस के हवाले से और इवन टूरिज्म के हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल है। ये 165 किलोमीटर का चंक है जिसके अंदर से 150 किलोमीटर तकरीबन 150 किलोमीटर तैयार हो चुका है और 15 किलोमीटर रहता है। इस सड़क को बनाना कोई आसान काम नहीं था। इसको दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाए तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि केकेएच को ऑलरेडी 8वां कहा जाता है, तो मे बी इसको यू कैन नेम द 9th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि चट्टाने काट के और चट्टानों से चीरते हुए इस सड़क को निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं था। कई हमारे जवानों ने इस सड़क को बनाने में जामे शहादत नोश किया। आज मैं आपको जगलोट स्कर्दू रोड उन शहीदों को सलाम पेश करने के लिए दिखाने के लिए आई हूँ। हमने गिलगित में लैंड किया, गिलगित से फिर हम इधर आए हैं। जगलोट स्कर्दू रोड में अभी भी जो काम चल रहा है मैं आपको उधर भी लेकर जाऊंगी। अभी हम जीरो पॉइंट पे खड़े हैं, वहां केकेएच शुरू हो रही है, केकेएच से एक सड़क निकल रही है, जगलोट स्कर्दू रोड है। नज़ारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरत नज़ारे में, इस खूबसूरत सड़क को निकालने में जितना खून पसीना लगा है, आइए उन शहीदों को, उन गाजियों को आज सलाम पेश करें। अब जगलोट स्कर्दू रोड पर RD1 पे मैं मौजूद हूँ। RD1 हर किलोमीटर की बेसिकली मार्किंग है। हम जीरो पॉइंट से चले थे, एक किलोमीटर बाद आकर रुके हैं। पीछे मैं आपको ब्रिज दिखाना चाह रही थी कि इस जगह पर सड़क बनाना, सड़क को तैयार करके उसको ऐसा बनाना कि वो मजबूत रहे, सर्दी गर्मी हर तरह के मौसम को बर्दाश्त कर सके, क्योंकि यहाँ स्नो का मौसम भी आता है इस सड़क के ऊपर, यहाँ जो है वो ऐसा मौसम भी आता है जो शदीद तपती हुई गर्मी होती है, धूप होती है, तो इस सड़क को आम सड़क जैसा नहीं बल्कि एक इंतहाई स्टर्डी सड़क होना पड़ता है। इस सड़क को बनाने में 13 से 15 जवानों ने जामे शहादत नोश किया, लेकिन दिफा के लिए और मुल्क की प्रोटेक्शन के लिए ये भी इंतहाई अहमियत के हामिल है। ये पीछे जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ऐसे तकरीबन 21 ब्रिज जो हैं वो इस जगलोट स्कर्दू रोड पर बनाए गए हैं, और अब टोटल अगर देखें तो तकरीबन 40-41 के करीब, यानी 40 से ज़्यादा ब्रिज इस सड़क पर मौजूद हैं। यही सड़क 11 सेक्टर, जहां आपको याद होगा एवलांच आया था और उस बर्फानी तौदे के अंदर हमारे दर्जनों जवान और अफसरान शहीद हुए थे, ये वहां तक भी साजो सामान और अशिया खुरनोश पहुंचाने में मदद देता है। इसके साथ साथ ये सियाचिन भी जाता है, ये वो उन बॉर्डर एरियाज भी जाता है, और K2 बेस कैंप भी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपको इस सड़क का आहिस्ता आहिस्ता दौरा कराते जाएंगे। कंस्ट्रक्शन साइट पर भी हमने जाना है, यू वेट फॉर दैट एज वेल, वी आर गोइंग देयर टू। सड़क इस शाहकार को बनाने के लिए यकीनन जो मवाद दरकार होता है, एस्फॉल्ट दरकार होता है, वो किसी दूसरे शहर से नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ शहर टू शहर मसाफत बहुत लंबी है, और यहाँ जो शहर मौजूद हैं उनके अंदर वो वाली फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं है। तो FWM ने यहीं एस्फॉल्ट प्लांट लगाया है, यहीं से एस्फॉल्ट बनती है, यहीं से आगे लेकर जाई जाती है, इस 165 किलोमीटर के कम्प्लीट लंबाई के ऊपर लेकर जाई जाती है। और ये आम एस्फॉल्ट नहीं है, क्योंकि याद रखिए कि इधर मौसम की सख्ती भी इसी एस्फॉल्ट ने बर्दाश्त करनी है, इधर ट्रैफिक भी नहीं रुकनी, तो 6 से 7 घंटे के अंदर ये एस्फॉल्ट ड्राई होकर यूजेबल भी हो जाना चाहिए। तो दिस इज हाई क्वालिटी एस्फॉल्ट जो यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि अमूमन हाईवेज और मोटरवेज पर इस्तेमाल किया जाता है, बट नॉट चप, बिकॉज इसमें इस हाई एल्टीट्यूड के ऊपर इस एक्सट्रीम वेदर को बर्दाश्त भी करना होता है। जगह पर जुनैद जमशेद का बहुत खूबसूरत नगमा याद आता है कि कसम उस वक्त की जब वक्त हमको आजमाएगा, जवानों के लोगों पर नारे तकबीर आएगा, वो आजमाइश की घड़ी की तैयारी पहले से करना होती है। और ये जगलोट स्कर्दू रोड 11 सेक्टर और सियाचिन तक हमारे जो जवान उस आजमाइश की घड़ी के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, उन तक तमाम साजो सामान और इम्पोर्टेंट चीज़ें, अशय खुरनोश, उनके इस्तेमाल की चीज़ें पहुंचाने के काम आती है। तो सड़क के ऊपर जहां अभी मैं हूं, ये एक कंस्ट्रक्शन चल रही है, सड़क बन चुकी है,
सड़क की मार्किंग इधर होना इस वाली जगह पर बाकी है, लेकिन यहाँ जो साइड पर ये पीछे आप मशीनरी देख रहे हैं अभी भी काम कर रही है, इसके पास 1 नवंबर तक का वक्त है। 1 नवंबर के बाद सर्दियां आ जाएंगी और ये वाला काम रुक जाएगा, फिर सिर्फ और सिर्फ जमीन को साफ करने वाला, चट्टानों को काटने वाला काम हो सकेगा, उसके अलावा काम नहीं हो सकेगा। तो यहाँ अभी कर्व्स बन रही हैं। ये कर्व्स क्या होती हैं कि सड़क का सही और सालिम रहना इंतहाई ज़रूरी है। वाई? बिकॉज ऑफ कोर्स यू नो, बारिश होती है तो पानी आता है, और ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, तो इस पानी में कहीं ना कहीं जाना होता है, और पानी के जाने के लिए ये जगह बनाई गई है ताकि वो सड़क को खोखला ना कर दे, सड़क को बहने के ऊपर मजबूर ना कर दे, और जो ज़्यादा पानी आएगा वो ज़्यादा कर्व्स के अंदर जाए, ताकि इस सड़क की मजबूती को इंश्योर किया जा सके। पीछे देख रहे हैं आप, काम हो रहा है अभी भी, और ये काम कंटिन्यूसली चल रहा है 1 नवंबर तक। जी अभी हम जहाँ खड़े हैं वो पैच अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस पैच में साइड पर प्रोटेक्टिव वॉल लगाई गई है और नीचे दरिया सिंध है, और ऊपर ये जगह खाली करने तक का जो पूरा प्रोसीजर था वो भी आसान नहीं था। अभी आपको ऊपर नजर आ रहा होगा, वो ऊपर उस जगह पर एक चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर मौजूद फौजी जवान है, और जो फौजी जवान है वो इस पूरी चट्टान को, इस रोड को क्लियर करने के लिए काट रहे हैं, ताकि कोई आने जाने वाली ट्रैफिक के ऊपर कहीं कोई चट्टान ना आ पड़े और किसी का जानी ज्याना हो, यानी अपनी जानों का कुर्बानी देकर दूसरों की जानें बचाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पाक फौज की तरफ से। एक तो यकीनन ये डिफेंस और स्ट्रेटेजिक हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रोड है, ऊपर से कम्युनिकेशन और जनरल टूरिज्म के लिए भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। यहाँ के लोकल्स बड़े खुश हैं कि यहाँ से रोड गुजर रही है, और अब उनका जो कम्यूट था वो बहुत छोटा हो गया। जैसे मैंने पहले भी बताया था, 12-13 घंटे से लेकर अब जो है ये 2-4 घंटे तक की कम्यूट रह जाएगी इस सड़क के होते हुए।